हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो गाइस, आप जानते हो 9 फरवरी को मैं दिल्ली गया था चोर बाजार। वहां से गाइस मिलेगा था छोटे छोटे चूड़े, कह लो या तोते कह लो, पैरट कह लो। अब भाई उन्हें लगभग 70-80 दिन हो गए, तो देखते हैं गाइस उनका क्या हाल चाल है, क्या क्या वो खाते हैं, बिहेव कैसे करते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, हम उन्हें क्या खिलाते हैं। कितना सारा गाइस मैंने एक सांस से बोल दिया। ठीक है, बाहर चलते हैं, काफी मजा आएगा। मैंने सोचा डेली हम इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ भी मोटर सोटर की वीडियो बनाते रहते हैं, थोड़ा गाइस आज अलग व्लॉग होना चाहिए। हमारे फौजी भाई, ये रहे फौजी भाई, और यही लेकर आए थे, यही है वो जालिम लोशन, यही है वो जो जानवर पर अत्याचार कर रहे हैं। खैर फौजी भाई अंदर ले जाओ फटाफट, और ये खिला रहे थे, यही इनके मालिक है, ये इनके दाता है और ये इनको खिलाते हैं। भाई मैं भी शौकीन हूँ आप जान दो गाइस, लेकिन भाई क्या करें, फिर घर वाले रुकेंगे, भाई सुबह भी पाल ले गधे भी पाल ले मारे पालते। फौजी भाई फटाफट गेट लगाओ, बाहर आवाज आ रही है घरों की, जरूर नहीं की बाहर गधे खड़े हो। और भी लोंडो कैसे हो तुम, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। देखो भाई मैंने बताया था ये जो पीला वाला है, या सॉरी ये पीला नहीं पीली है, तो भाई ये है लड़की यानी कि लेडीज है, ये लेडीज है पीली वाली और ये जेंट्स है, ये अब थोड़े से ज्यादा हो गए चालू। अरे फौजी भाई तुम भी आ जाओ, तुम वहाँ कैसे बैठ गए, तुम्हें तो बुलवाने हैं, ये इंजन है, तुम तेल हो, तुम तेल डालोगे इसमें तो चलेगा इंजन। देखो कितने ज्यादा हिलजुल रहे हैं, पहले बिल्कुल सुस्त थे भाई, देख रहे हो इतने ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब मस्त है, मतलब मस्त भाई। फौजी भाई क्या खिलाते हैं, ये कंगनी के चावल है, दिखा ना कहाँ है। अरे भाई साहब ये रहे, ओहो खोलना इसे, देखो कितने ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं ये, और बिल्कुल तंदुरुस्त स्वस्थ एक्सरसाइज करते हैं। देखिए भाई ये छोटे छोटे कंगनी के चावल, और क्या खिलाते हो, बाजरा, बाजरा खा लेते हैं, हाँ दोनों जी खा ले, देखो बोल रहे, चलो बोलो भाई, बोलो 17 क्यों बेइज्जती करा रहे, हाँ बोले बोले बोले। ओ यार मैं पुचकारूंगा तो नुकाएगा, मेरी वाइफ को छेड़ा, मेरी बीवी को छेड़ा, सही ना ऐसे किसी का वाइफ को छेड़ना। हैवी लोंडो, वैसे ये थोड़ी सी हरामी टाइप की है, मतलब हरामी तो नहीं कहूंगा, ये थोड़ी सी तेज टाइप की है, और ये जो है ये नीला वाला ब्लू, ये थोड़ा सा सेफ टाइप का, अभी थोड़ा सा इसके साथ रहकर जो ना बिगड़ गया है ना, ये दोनों की कंपनी खराब हो गई, पहले ये बिगड़ी हुई थी अब ये बिगड़ गया, ये बहुत शरीफ होता है, ऐसे बैठा तो ढाकुल्लू बैठ रहा था ना गाइस, बिल्कुल ऐसे बैठा रहता था पहले, लेकिन भाई साहब इसकी वजह से भी तेज हो गया, ये बहुत बोलती है, जैसे कि लेडीजों की प्लीज रेट भाई इस लाइन को काट देना, वरना मेरे घर की लेडीज मुझे बहुत मारेंगे। ओ लेडीज की बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूँ चुड़िया की, ये बहुत बोलती है, और ये वाला बहुत कम बोलता है ना फौजी भाई, कौन ज्यादा बोलती है बताओ, पीली वाली, देखो है येलो वाली, हाँ पीली वाली ज्यादा बोलती है, और जी ब्लू वाली ये बहुत बल्कि बहुत ही कम, बिल्कुल शांत सो आपका मेरी तरह है, बिल्कुल शांत सो आपका मेरी तरह है ये लड़का, उंगली मेरी काटते नहीं है भाई बिल्कुल भी, देखो ये देखो मैंने उंगली बिल्कुल छेड़ दी है, बिल्कुल नहीं काट देगा, टच करूंगा, पहले तो काफी ज्यादा एक्टिव ये हो गए हैं, आई थिंक ये डिटेक्टिव बनेंगे। फौजी भाई इन्हें खिलाओ फटाफट, अभी तो फिलहाल मुझे लगता है फौजी भाई खिला रहे थे, भाई ये रहा धनिया क्या लेकर आए, और भाई ये रहा पुदीना, बोल रहे हैं देखो कुट 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 कुट, और भाई उड़ जाएंगे खोलेंगे तो ना, उड़ा के नहीं देखा अभी तक हमने, जरा जरा हाथ डाल के देखता हूँ उसमें, इन बिचारों से क्या डरना, वो बात अलग है, काट लेंगे तो डरना ही पड़ेगा। तो वैसे हमने स्टूडियो में कहा इसी बिल्कुल बंद है ना, उड़ेंगे नहीं, बाई चांस निकल भी गए गलती से, तो ये वैसे उड़ेंगे नहीं, देखो काटेंगे ना काटेंगे, लंडो देखो यार, देखो यार, देखो कौन से पकड़ो, देखो बहुत तेज है भाई ये, बहुत तेज है, देखो पकड़ लिया, देखो भाई क्या क्यूट है यार, देखो बिल्कुल भाई साहब नेचुरल कंगा मार रखा, मतलब बिल्कुल भी एक पंख इधर से उधर नहीं हिलता इनका, देखो छुड़ाने की कोशिश कर रही है पूरी भरी और भाई ओहो काटने की कोशिश कर रही है, देखो हाँ भाई जाल भी काटने की कोशिश करते हैं, अब ये वाला देखे, ये वाला तो तेज है काट रही है, और ये वाला देखे आज भी लोंडे हाथ में आ जा, मैं तो रपटा बहुत जल्दी एक हाथ में तो छोटे छोटे थे, देख भी देख नहीं 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 बेटा नहीं, देखो भाई ये बहुत शांत स्वभाव का है, देख रहा इधर को मुंह देखो बेटा, फोटो खींच रहा तुम्हारा वीडियो बननी है, हाँ देखो ये रहा भाई, वो कह रही मेरे आदमी को छोड़ दो जालिम ठाकुर, देखो बोल लिया छोड़ दे मेरे आदमी को, चलो ये रहा भाई दोनों बिल्कुल मस्त, काटते वाटते नहीं भाई ये फायदा, तो इन्हें वैसे इस तरह से पकड़ना ठीक नहीं है ना, हाथ लगते हैं तो जैसे ज्यादा लोग पकड़ेंगे इन्हें बीमारी भी लग सकती है, वैसे ठीक है, और इन्हें साफ कैसे करते हैं, फौजी भाई इधर को आओ, तुम तो बहुत मैन आदमी हो, ये भी इसमें से एक आदमी है, साफ आप कैसे करते हैं, क्या निकल रहे हैं, यहाँ से छोटी सी ट्रे निकलती है, और ये है इनकी पोटी, बहुत सारी पोटी कहा कर रखी है, चलो खोल जाता साफ करके लाओ फटाफट, तो ये इनके करता धरता है ना, इन्होंने दोनों ने जो ना इन्हें रख रखा, इन्होंने इन्हें नहीं रख रखा, ये इन्हें पालते ये अपना छोटी और खाना पीना सब इनसे करवाते हैं, तो गाइस अगर कहना चाहे ना तो भाई मालिक वो नहीं है, मालिक ये दोनों हैं, और ये काफी क्यूट लगते हैं, लेकिन मैंने गाइस अगर मेरा बच्चा था गाइस मैं इन्हें उड़ा दूं, लेकिन भाई दिक्कत ये है कि ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, कैसे, क्योंकि भाई इन्हें शुरू से जो ना इन्हें शुरू से स्टार्टिंग से ही यहाँ पर इस पिंजरे में रखा है, या इससे बड़ा पिंजरा था ये तो खैर अलग से एक पिंजरा घर के लिए देते हैं, इससे बड़ा पिंजरा है, और भाई यकीन मानिए उसमें कम से कम 50-50, 100-100 ये चुड़िया यार क्या कहूँ ना, तोते हैं चुड़िया, मतलब देखने तोते लगते हैं, लेकिन पूरी इनकी हरकतें जो ना
चूड़िया वाली है, मतलब ये कुछ कहते नहीं, आराम से खा लेते हैं, बोलते रहते हैं और ये बाजरा अपना आप खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, मतलब मस्त है भाई। लगभग 18-19 दिन हो गए हैं और ये मस्त बिल्कुल पहले ज्यादा एक्टिव हो गए अपना खा पे रहे, मतलब हमें कह सकते हैं पालतू है, ये जंगली नहीं है, आराम से रह सकते हैं पिंजरे में, कुछ नहीं कहते। जो जिसका हम लिख रहे थे ना वो भैया कह रहे थे कि भाई 3 महीने बाद खोल देना, घूमने लगे उनका, अच्छा उड़ जाएंगे रुकने का ना। फौजी भाई मैं लेकर आए साफ करके बिल्कुल, अरे वाह फौजी भाई तुम्हें याद अच्छी तनख्वाह देते दिखाए। देखो भाई फौजी भाई ये बहुत अच्छी तनख्वाह देते हैं, ये ना प्यार देते हैं, प्यार क्या देते हैं, प्यार दो और प्यार लो, इसे यहाँ पे ट्रे को ऐसे लगाते हैं, देखो इसके नीचे एक जाल और है ना, यहाँ पे भाई हमने देखिए तार अलग से बांध दिया है, वरना भाई साहब ये ऊपर रह जाता ट्रे ट्रे नीचे रह जाती है, ये दोनों फरार बिल्लू फरार। संजय दत्त जी में अभी कौन सा संजय दत्त है गाइस, आपको याद है जो मोंटी है हमारे एडिटर साहब, तो वो भी लेकर आए थे दो, ये सेम आप जानते हो गाइस, ये ब्लू कलर का था उनका जो ये जाल था पिंजरा था, तो भाई उसने क्या करा कि उनका जो भांजा है उसने यहाँ से उठा भाई साहब और यहाँ पे उन्होंने ऐसे बांध रखा था, तो भाई ये नीचे रह गया और भाई ये हाथ में रह गया और ये जो ना ये गए फुर उड़ गए, बहुत स्पीड है भाई, बहुत स्पीड से उड़ते हैं। उस दिन के दिन और आज के दिन गाइस ये कुछ इनका अता पता लापता नहीं है, दिक्कत है गाइस, इनको हम अखबार में नहीं डाल सकते कि भाई ये खो गए हैं उड़ गए हैं, तो प्लीज ढूंढ लो, सारे तो सुतरे एक से लगते हैं, मतलब इनकी क्या पहचान करें, मुझे तो गाइस लगता है कि भाई खुद को भी नहीं पहचानते होंगे, पता ना हम कौन सी क्वालिटी के। फौजी भाई ये सुखड़ी मिर्च लेकर आए हैं, अरे यार कैसे सुखड़ी मिर्च लाए यार, देखते भाई खा लेंगे ना, खाएंगे मिर्च खा लेते, तोते मिर्च खाते हैं, पर ये पता नहीं भाई इनमें मामला ऐसे ही है थोड़ा थोड़ा। अरे फौजी भाई ये कैसे हो गया, अभी लौंडे भाई ऐसे तो मुश्किल खाएंगे, हाँ भाई चलो इसे यहाँ रख दूंगा, खाएंगे तो खा लेंगे, देखो अभी इसे कर दिया गंदा, मैं इसे यहाँ रखता हूँ ऐसे, मुंड होगा तो भाई खा लेंगे, मुंड ही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझसे कह रहे मुंडी भाई कि समर भाई कब जा रहे हो दिल्ली और लेकर आने, अरे फौजी भाई भी और लेकर आएंगे, कितने लाओगे, दो और लेकर आएंगे भाई, पिंजरे में तो दिक्कत हो जाएगी, पिंजरा भाई बड़ा करना पड़ेगा, हम सोच रहे हैं इसकी एक पिंजरा और बना ले बड़ा, ये तो रह गई ऐसी, दूसरा बना ले। हाँ गाइस मैं कहता भाई, मैं था कि अगर हम इन्हें खोल दे तो भाई ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हो भारतीय लोग कभी हो गए और बाज हो गए जो कि बाज नहीं आते है ना, अपनी हरकतों से लौंडे होते हैं थोड़ा शरारती टाइप के, तो भाई या तो इन्हें वो मार देंगे जो बाज चुड़िया है, बड़े बड़े जो चील कौवे हो गए, बाज हो गए, गिद्ध हो गए, वो इन्हें मार देंगे है ना, यार सोचा कि भाई इन्हें क्या खोले यार, वरना भाई यकीन मानिए मैं तो इन्हें आजाद कर देता, दो चार तो वही आजाद कर देता लेके खरीद थी, क्योंकि ये पुण्य काम है, बहुत अच्छी बात भाई किसी को आजाद कराना, मतलब किसी को तो नहीं करा सकते, इन्हें तो हम कराए सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ना ये सर्वाइव नहीं कर सकते, मर जाएंगे या दोबारा ये पकड़े जाएंगे जैसे हैं, तो ये सोचा चलिए वहां से ज्यादा इनका ख्याल यहाँ रहेगा, वैसे गाइस ये बिल्कुल हैप्पी है, खुश रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ इनके लिए गाइस पिंजरा बड़ा होना चाहिए, ये पिंजरा काफी छोटा है ना, लग रहा ना आपको, तो भाई थोड़ा बड़ा पिंजरा बनाएंगे, और 4-5-6 पूरी की पूरी कॉलोनी कहते हैं ना, नगर पूरा का पूरा जिला इनका बसा देंगे, ये बच्चे देंगे, अंडे होंगे, सॉरी मैं सीक्वेंस भूल गया, पहला अंडे होंगे, फिर बच्चे होंगे, उसके बाद ये बड़े होंगे, फिर फैमिली बढ़ेगी, फैमिली प्लानिंग भी करनी है। खैर काफी मस्त है, मजा आता है इन्हें लेकर, और एक सकून सा मिलता है, इसे काफी बोलते रहते हैं, देखो ना चढ़े ना चीज, अबे कुछ पी पे खा के दिखा दो ससुरो है, कुछ खा पी के दिखा दो, इनकी पूंछ जो ना टकरा भाई, जो ना पिंजरा थोड़ा छोटा है इनकी पूंछ के हिसाब से, तो ये बाबर टकरा जो इनकी पूंछ की ऐसी हो जाती है टोटल बात होता है, ये काफी बोल पे रहे, देखो एक दूसरे को खाना भी खिलाते हैं चोंच से, ये जैसे कभी नाराज हो जाती है ये जो लेडीज है, तो ये इसका जो हस्बैंड है बेचारा बड़ी मुश्किल से मना मनु के ऐसे कुछ खिलाई देता है कि खा ले यार तू सो करिए भाई ऐसी है देखो एक दूसरे को खुजा भी हाथ पहन के है नहीं, तो कहीं मेरी खुजली मच जाए तो तू मेरा खुजा दे मैं तेरा खुजा दूंगा, तो दोनों की खुजली मिट जाए, दोनों खुश हैप्पी, नाम ना रखा इनका, इनका नाम रखोगा इस कुछ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ इनका नाम क्या है। हाँ मुझे पता गया, मेरे माथे पे सीख निकल रहा है यार, रात रात में कांड हो गया, रात रात में गाइस निकल गया, बालों की तेजी भी पड़ गई हमेशा की तरह, तो भाई काफी मजा आता है, काफी सुकून मिलता है। आप भी कोई अच्छे से जो पालतू जानवर है जंगली नहीं, जो पालतू है जो रह सकते हैं पिंजरे में, उनका ख्याल रखो अच्छा लगता है, और काफी इनसे सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती है, थोड़े से घर में भगदौड़ सी रहती है, चे चा रहती है, चे जिंदगी में ऑलरेडी बहुत चे है गाइस। ये और बताएं कमेंट करके भाई कहाँ के पक्षी है ये, और भाई मुझे पता नहीं कहाँ के, आप दोस्तों कमेंट करके बताएं, सर्च करें और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ें, गधे तो हम नहीं दौड़ सकते क्योंकि गधे एक जगह रुक जाते हैं, घोड़े दौड़ें और बताएगा इस ये कहाँ के रहने वाले, फिलहाल गाइस ये इंडियन है, जल्दी इनका मैं पासवर्ड बनवा दूंगा, अभी दोनों अपना अपना आधार कार्ड जमा कराना ठीक है, लिंक कराना है बैंक से भी, हो भाई जाओ लेके जाओ इन्हें नीचे दोनों को, भाई गर्मी पड़ रही है, मौसम हो रहा खराब और इनकी हरकतें कम नहीं हो रही, क्या खा रहे हो, गुटखा तो नहीं चबा रहे हो, लेडीज गुटखा खाती बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और ये क्या चबा रही है, हाँ पोज दे रही है पोज, भाई कुछ कह तो नहीं रही है, मंत्र मंत्र पढ़ रही है, गाले वाले की तरह मेरे को, और देखो उसकी क्या हरकतें, ये सीधा भाई ये कुछ नहीं कह रहा, ये तो झांक रहा है कहाँ से आ गई, क्या ले रखा है हाथ में, वहाँ ने पता ना हमारी तरफ दिखा रहा, हमें देख रहा, हमें ना देखना, भाई तुम्हारी दोनों की वीडियो बना दी है, तुम्हारे मम्मी पापा ढूंढेंगे ना तुम्हारी वीडियो देख लेंगे और कॉन्टेक्ट कर लेंगे तुमसे, ठीक है। ओ भाई साहब ये क्या है, ओ भाई ये है भोरा, जो कि गाइस ओ भोरे कुछ नाम न
रख सके इसका। भाई साहब ये जूस पी रहा, अरे ये बहुत जरूरी है भाई, इसी से आएंगे नींबू उस पे। वैसे गाइस ये नारंगी का पौधा हमारा छोटे देखे एक पे लग भी रहा है, ठीक रहा देखो ये रहा। ओए भाई साहब सारा कुछ टेस्ट करेगा। प्लीज दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और भाई जरूर बताइए ये व्लॉग आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।